हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। मैं हूँ जया, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ एथनिक रूप ब्लैक जॉर्जेट साड़ी का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है तो। थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने एथनिक रूप से एक ब्लैक साड़ी परचेस की है जो कि कुछ इस तरीके का है, और ये मुझे ऐसे पैकेट में ही रिसीव हुआ था। ये साड़ी बहुत लोगों ने परचेस किया है और इसके बहुत सारे रिव्यू भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब इसे ओपन करके देखते हैं कैसा रिसीव हुआ है। ये मैंने साड़ी को पैकेट से निकाल लिया है और साड़ी कुछ इस तरीके की है। मैं पल्लू से स्टार्ट कर रही हूँ। साड़ी को मैंने ओपन कर लिया है। यह है साड़ी का पल्लू। यहाँ पे हैवी एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर दिया गया है। यहाँ पे ये सीक्वेंस का काम किया है इन्होंने, और ये डायरेक्ट पेस्ट नहीं किया है, पीछे इन्होंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है। ये आपको बिल्कुल भी चुभेगा नहीं, और ये वाला एरिया आप जब भी साड़ी वियर करोगे तो इस तरीके से कुछ आएगा। ये एरिया कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा। आपको पूरी साड़ी पे इस तरीके से लेस मिलेगा, और ये लेस बहुत अच्छी तरीके से अटैच किया गया है। पीछे साड़ी के फैब्रिक पे अटैच किया है जिससे आपको बिल्कुल भी चुभे ना, और पूरी साड़ी में इस तरीके से सीक्वेंस का काम हुआ है, और पीछे ही बहुत अच्छी तरीके से फिनिशिंग है, आपको कहीं से भी चुभेगी नहीं। ये लेस आपको इस तरीके से पूरी साड़ी में मिलेगा। ऊपर की तरफ इन्होंने जहाँ से प्लेट स्टार्ट होता है वहीं तक लेस दिया है, बट नीचे की तरफ इन्होंने पूरा लेस दिया है। ये बूटी आपको पूरे साड़ी में मिल जाएगी इस तरीके से, और लेस इन्होंने नीचे की तरफ पूरा दिया है। देखिए ये पूरी साड़ी में इस तरीके से छोटे छोटे सीक्वेंस का काम हुआ है। साड़ी का फैब्रिक थोड़ा सा लाइट है, जितना डार्क इमेज में दिख रहा था उतना डार्क नहीं है, लेकिन ठीक है, आप इसे आराम से वियर कर सकते हो। जब मैं इसे वियर करके दिखाऊंगी तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। साड़ी की लेंथ अच्छी है, अराउंड 5.5 मीटर। इसके साथ मुझे एक ब्लाउज़ का फैब्रिक रिसीव हुआ है। ब्लाउज़ का फैब्रिक सिंपल सा प्लेन है, जैसा कि इमेज में भी है कि सिंपल सा ब्लाउज़ वियर किया है मॉडल ने। इस तरीके से आपको प्लेन फैब्रिक मिलेगा अराउंड 80 सेंटीमीटर का। फैब्रिक इसका मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, आप चाहे तो अलग से भी फैब्रिक लेकर स्टिच करवा सकते हो या फिर इसको भी स्टिच करवा सकते हो। सो गाइस, इस साड़ी की प्राइस मुझे एक्चुअली याद नहीं है, जो भी होगा मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। अब मैं आपको इसको वियर करके दिखाती हूँ। इस साड़ी को मैंने वियर किया है एक ब्लैक ब्लाउज के साथ जो कि मैंने अमेजोन से परचेस किया था। इसका रिव्यू मैंने शेयर किया है अमेजोन ब्लाउज हॉल में, आप चाहे तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, अदरवाइज मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो या आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टिल द नेक्स्ट वीडियो।